आरबीआई in इंटरव्यू तब इंटरव्यू फिफ्टी मार्क्स का हुआ करता था बाय द वे तो जो भी एक्सपीरियंस आरबीआई की सेबी की नबाड की तैयारी कर रहे हैं यू हैव टू वन डे गो फॉर द इंटरव्यू आपको ये चीजें एडवांस में पता होनी चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इंटरव्यू की वेर आई स्कोल्ड अ वेरी बीगर 26 सिक्स आउट ऑफ फिफ्टी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट इन माई फर्स्ट आरबीआई इंटरव्यू तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी वो पहले समझ लेते हैं सबसे पहले तो आई वॉज अ यू पी एस सी एस्पिरंट एट दैट टाइम तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है दैट इनहेरेंट एरोगेंस और दैट इनहेरेंट बिलीव कि ये तो मैं निकाल ही लूंगा ये तो बहुत आसान काम है दैट वॉज देयर इन मी बिकॉज आई वॉज दी एपिटम ऑफ माई यू पी एस सी प्रिपरेशन एट दैट टाइम और आज भी वैन आई टेक आर बी आई इंटरव्यूज़ तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे ऐसे दिखते हैं जो कि यू पी एस सी एस्पेरियंस होते हैं दे कम विद दिस आइडिया दैट आई एम फुली प्रिपेयर आई कैन गो फॉर द इंटरव्यू एनी डे विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक ये आपको नहीं करनी चाहिए सेकेंड मिस्टेक जो मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में की थी जिसकी वजह से मेरे ट्वेंटी सिक्स आए वॉज दी आइडिया दैट आई कैन गो अनप्रिपेयर्ड मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत है ही नहीं प्रिपरेशन uh, तो वो लोग करते हैं जो लोग खाली आर बी आई की तैयारी कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ वेर आई मिस बिकॉज नो मैटर वॉट एग्जाम वॉट इंटरव्यू आई यू सिटिंग फॉर यू नीड टू हैव सर्टन आइडिया कि आपका एनिमी कौन है आप किस के अगेंस्ट खड़े हुए हैं एंड दैट वॉज मिसिंग इन माई फर्स्ट आर बी आई इंटरव्यू एक और मिस्टेक जो मैंने आर बी आई के इंटरव्यू में की थी दैट वॉज आंसरिंग इन स्टोरीज अब आप यू पी एस सी इंटरव्यू में जाते हो दैरेटिव ऑफ द इंटरव्यू द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एज फ्रॉम द इंटरव्यूज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बट वैन यू आर गोइंग फॉर आर बी आई इंटरव्यू एक्सपेक्टेशन उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका उनके आंसर्स जानने का तरीका एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट मैं आंसर्स तो दे रहा था बट माई आंसर्स वर इन स्टोरीज दे वर नॉट ब्रीफ इनफ दे वर नॉट डायरेक्ट इनफ मैं जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा था दैट वॉज द सेकेंड मिस्टेक दैट आई मेड और वो डायरेक्टली इसलिए था बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर एंड आई वॉज नॉट कंसर्न कि भाई आर बी आई के इंटरव्यूअर्स को क्या चाहिए होता है और थर्ड मेजर मिस्टेक जो मैंने uh, की थी अपने फर्स्ट इंटरव्यू में दैट वॉज द आइडिया और दी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बोलेंगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मिररर मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा था आई वॉज नॉट राइटिंग एनीथिंग आई हैड दिस आइडिया कि ये आता है आगे चलते हैं ये भी आता है आगे चलते हैं आई वॉज नॉट डबल चेकिंग वेदर आई नो समथिंग दैट आई क्लेम दैट आई नो और नॉट तो मैं अज्यूम कर रहा था कि ये भी आता है ये भी आता है आंसर कर ही देंगे इंटरव्यू में पूछेंगे तो बट आई वॉज नॉट चेकिंग कि एक्चुअल में आता है या फिर मैं बस अपने आप को बोल रहा हूँ कि मुझे आता है सो दीज द मिस्टेक्स दैट आई मेड जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन भी कम थी एंड आई रिसिव्ड वॉट वॉज एक्सपेक्टेड ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ फिफ्टी फिर मैं गया सेकेंड आर बी आई इंटरव्यू में इन द नेक्स्ट ईयर वेर आई रिसीव्ड फोर्टी टू आउट ऑफ फिफ्टी विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर हाइएस्ट उन दिनों में फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स तक जाया करता था, था। वट वर द इम्प्रूवमेंट्स दैट आई मेड जिसकी वजह से मुझे 42 मिले उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहला इम्प्रूवमेंट जो मैंने किया वो था कि एक नोटबुक क्रिएट किया और उस नोटबुक में सेक्शंस बना लिए फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन द इंटरव्यू बहुत सिंपल सी टेक्निक है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेक्शन बनाया बैंकिंग का एक फाइनेंस का एक इकोनॉमी का मैं क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से तो अकाउंट्स का एक सेक्शन बनाया देन मेरी हॉबीज़ का एक सेक्शन था देन बायोडाटा फॉर्म का एक सेक्शन था Uh, जिसको हम एच आर क्वेश्चन भी बोला करते हैं देन एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक अलग से एक सेक्शन था अदर देन अकाउंट्स करंट अफेयर्स का एक सेक्शन था बिकॉज आई वो साइमोल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी ऐसे मोटे मोटे मैंने छः सात सेक्शंस बनाए और हर एक सेक्शन में मैं क्वेश्चन एड करता गया और उनके आंसर्स ढूंढने लग गया एंड इम्प्रूवमेंट दैट हैपन्ड ऑटोमेटिकलीज दैट आई रियलाइज कि मुझे पॉइंट्स में सोचना है और पॉइंट्स में ही आंसर करना है पहले मैं स्टोरीज के फॉर्म में सोचता था और स्टोरीज के फॉर्म में ही आंसर करता था अभी मुझसे पूछा किसी ने व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले मैं बोलता फाइनेंशियल इंक्लूजन इज व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इंक्लूडेड दे हैव एक्सेस टू वेरियस काइंड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज कहानियां बनाता नाउ बिकॉज आई स्टार्ट राइटिंग थिंग्स नाउन आई रियलाइज करे तो बहुत लंबा है इतना टाइम नहीं है आपके पास तो मैंने पॉइंट्स में लिखना शुरू किया पॉइंट्स में सोचना शुरू किया और पॉइंट्स में ही बात करना शुरू किया दैट हेल्प मी एज एन एस्पिरेंट बिकॉज आई हैव टू रिमेंबर लेस थिंग्स क्योंकि सब पॉइंट्स में था एंड दैट ऑल्सो हेल्प द इंटरव्यूर्स फाइनली बिकॉज उनको एकदम से समझ आता था कि हाँ इसको इसका आंसर आता है लेट्स मूव फॉरवर्ड उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई इंटरव्यू में टू आंसर मोर एंड मोर क्वेश्चन और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती गई टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम मी उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछे ज्यादा ब्रॉड और रेजन कवर हुआ मैंने ज्यादा आंसर्स किए मेरी पर्सनैलिटी उनको ज़्यादा क्लियरली दिख पाई

और मैं रोज आधा घंटा पौना घंटा मिरर के सामने खड़ा होता था अपनी नोटबुक लेता था आई वुड पिक आउट एनी क्वेश्चन और मैं उसका आंसर करता था मिरर के सामने और फिर मैं अपने आप से पूछता था कि भाई सही किया है या गलत किया है पांच पॉइंट लिखे तुम मिरर के सामने दो तीन बोल पाए या नहीं बोल पाए अगर आप ऐसे हजार डेढ़ हजार दो हजार क्वेश्चन बना लोगे और उनको आंसर करना शुरू करोगे तो आपको छः सात दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाएगा दैट योर आंसरिंग टेक्निक हैज इंप्रूव्ड योर फेशियल एक्सप्रेशन इंप्रूव्ड बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो रही है आपके हैंड जेस्टर्स इंप्रूव हो गए हैं आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया है आप अपनी ही आंखों में देख पा रहे हो दोज आर द मेजर चेंजेस दैट यू सी विद इन योर सेल्फ यू स्टार्ट मेकिंग दिस चेंज तो प्लीज प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट्स अ मस्ट थर्ड मेजर चेंज जो मैंने किया था वो था प्रैक्टिसिंग विद माई फ्रेंड्स उन दिनों में बहुत सारे मेरे दोस्त थे हुआ प्रिपेयरिंग फॉर यू एंड सम ऑफ देम वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई तो जो यू की मेरे यू के मेरे दोस्त थे माय ब्रदर वाज आल्सो देयर अमंग हम दोज एक्सपीरियंस इन दो टाइम्स हम लोग सब एक ग्रुप बना के बैठा करते थे और एक एक करके एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे एंड वी वुड ट्राई एंड क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट वी वुड सी एटलीस्ट वंस एवरी वीक फॉर द इंटरव्यू और अगर इंटरव्यू पास है तो रोज भी आधा घंटा एक घंटा हम लोग बैठा करते थे उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपसे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन सामने वाला आपसे पूछ पाए एंड यू आर एबल टू जज योर सेल्फ विद हाउ यूर टेकिंग दोज अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जैसे कि पी टू बी प्लेटफॉर्म्स वॉज अ वेरी न्यू आइडिया इन दोज डेज तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पी टू बी प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछा मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि वो वेरी सरप्राइज किया तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तुमने पढ़ा नहीं आया एन आई एस इट आई मिस दट सम हाउ तो मुझे आइडिया नहीं था वो नया नया कॉन्सेप्ट आया था उन दिनों में तो ही जज कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन सही थे या ख़राब थे फ्रॉम अ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड था मेरे से बट मुझे नहीं आता था तो उन क्वेश्चन से आप कैसे डील कर रहे हो आपके फेशियल एक्सप्रेशन्स बॉडी एक्सप्रेशन आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपके दोस्त आपको क्लियरली बता पाएंगे अब अगर सारे अच्छे पॉइंट्स को सारे इंप्रूवमेंट्स को हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो आई वॉज़ मोर काम इन माई इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कंपोज था आई कुट आई एम नॉट गेटिंग नर्वस बिकॉज ऑफ अ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता है uh, मैंने हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिफाइंड uh, बहुत बड़ा एक बंच था क्वेश्चन का और मुझे पता था उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही दैट ऑटोमेटिकली गेव मी कॉन्फिडेंस जो थर्ड मेजर इंप्रूवमेंट हुआ वो था आई गॉट दी आइडिया एंड आई प्रैक्टिस हाउ टू थिंक इन पॉइंट्स एंड हाउ टू आंसर इन पॉइंट्स जिसकी वजह से इंटरव्यूअर्स ज़्यादा खुश हुए और मैं भी अपने आप से ज़्यादा खुश था बिकॉज आई न्यू कि मुझे आता है तो मैं इस तरह से पॉइंट्स में आंसर कर सकता हूँ कम से कम टाइम में तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी ऑन हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू हाउ आई मूव्ड फ्रॉम 26 टू 42 टू एंड हाउ यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर स्कोर इंक्रीज योर स्कोर और अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन स्कोर हाइएस्ट मैक्सिमम इन द इंटरव्यू जिससे आपके चांसेज आप बढ़ा सको फाइनल सिलेक्शन के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं कोई भी कमेंट्स हैं कोई भी फीडबैक है कुछ भी आप बोलना चाहते हैं प्लीज़ मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो जिससे कि मैं समझ सकूं कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है स्टूडेंट्स कहाँ पे फंस रहे हैं और मुझे किन बातों पे, किन विषयों पे बात करनी चाहिए ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर बाय जय हिंद